यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स की आवाज कम किए जाने का मामला जोरों पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद ने अनूठी पहल की है। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउडस्पीकर्स में से 4 को हटा दिया गया, जबकि बाकी बचे 2 की आवाज भी कम कर दी है। इतना ही नहीं, बचे हुए दोनों लाउडस्पीकर्स की दिशा भी बदल दी गई है। मस्जिद कमेटी ने फज्र यानी सुबह की नमाज के वक्त आवाज को और भी कम रखने का फैसला किया है। देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक पुरानी मस्जिद है। ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। ये शाहजहाँ के समय की है, जब भी ऐतिहासिक इसका बहुत पुराना। ये शाही मस्जिद है, इलाहाबाद की पहली मस्जिद है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गाइडलाइन जारी किया कि जो भी मस्जिद धार्मिक स्थलों पर जो भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उसको कम किया जाए और उसकी तादाद में कमी की जाए। और यहाँ पे तमाम या हमारे शहर की जामा मस्जिद रही हो या शाही मस्जिद हो, तमाम जगह जितनी भी मस्जिद है सब जगह मस्जिदों को इसको पालन किया गया है। और जहाँ पे अभी 4-6 लगे हुए थे वहाँ पे 2 कर दिया गया। और साउंड को जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड है, उसको कम किया गया। वजह यह है कि सुबह जो 5:30 बजे जो नमाज होती है तो उसमें साउंड तो क्योंकि खाली रहता तो साउंड ज़्यादा गूंजते, तो वो भी उस समय भी कम किया गया कि वो काफ़ी कम वॉल्यूम हो और अपने इफरात में उसके दायरे ही में ही वो आवाज़ ज़्यादा तक रहे। मस्जिद तो हम समझते हैं इलाहाबाद की सबसे पुरानी, सबसे पहली मस्जिद है और बहुत पुरानी, 400 साल पुरानी मस्जिद शाहजहाँ के ज़माने की है। और रहा स्पीकर का मसला, तो पिछली जब गाइडलाइन आई थी तब से ही यहाँ शहर में ज़्यादातर मस्जिदों में माइक कम कर दिया गया था। और गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन हो रही, तो परमिशन भी बराबर कराई जा रही, अभी भी हो रही मस्जिद में परमिशन, सभी मस्जिदों में परमिशन है। और अभी जो कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो उस वक्त से और भी माइक में आवाज़ कम कर दी गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।